1965 में आई मनोज कुमार की देशभक्ति पर आधारित फिल्म शहीद ने दर्शकों का काफी मनोरंजन किया था। इसके अलावा देश के नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना भी जगाई थी। इस फिल्म को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी देखा था। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने मनोज कुमार को एक सलाह भी दी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को इसी तरह की एक और देशभक्ति फिल्म बनाने की सलाह दी थी। इस बात का खुलासा इस फिल्म के एक्टर प्रेम चोपड़ा ने किया है। फिल्म शहीद में प्रेम चोपड़ा ने स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव का किरदार निभाया था। प्रेम चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने इस फिल्म के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि हमने फिल्म की शूटिंग लुधियाना की एक असल जेल में की। हम मौत की सजा में गए, जहां उन्होंने हमें बताया कि कुछ कैदियों को फांसी दी जानी थी। अगले दिन जब हमने पूछा कि उनमें से कुछ कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मर चुके थे। हमने एक ही सेल में शूटिंग की। यह फिल्म एक मील का पत्थर बन गई, क्योंकि इसे बहुत ध्यान से बनाया गया था। कुछ साल पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसके अलावा प्रेम ने यह भी बताया कि इस फिल्म को लाल बहादुर शास्त्री ने भी देखा था। प्रेम ने कहा कि ये बहुत बड़ी हिट हुई। दिल्ली में हमारा प्रीमियर था और लाल बहादुर शास्त्री मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि वो केवल 15 मिनट ही रुक सकते हैं, लेकिन वो फिल्म से इतना जुड़ गए थे कि उठे ही नहीं। उन्हें यह फिल्म बहुत पसंद आई थी। बाद में उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि उन्हें उनके जय जवान जय किसान नारे से प्रेरित एक फिल्म बनानी चाहिए और फिल्म को सरकारी सहायता देने की बात भी कही थी। और मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।